एवरीवन, यू फॉरएवर के 27th चैप्टर में हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के संबंधों को समझेंगे और समझेंगे कि कैसे सम्मोहन काम करता है। रामपा कहते हैं हम वास्तव में दो लोग हैं। हमारा जो छोटा व्यक्ति है वो कॉन्शियस माइंड है जो केवल 10% ही है। ये हस्तक्षेप करना पसंद करता है, बॉस बनना पसंद करता है और तर्क वितर्क करना जानता है, पर इसके पास मेमोरी बैंक नहीं होता, ये कुछ भी याद नहीं रख पाता। पर दूसरा जो हमारा व्यक्ति है सबकॉन्शियस माइंड, वो विशाल है, वो 9 गुना ज्यादा बड़ा है कॉन्शियस माइंड के, और इसके पास तर्क वितर्क की शक्ति नहीं है। ये बहुत ही मिलनसार है और इसके पास मेमोरी बैंक है। व्यक्ति के साथ जो कुछ भी घटनाएं होती हैं वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, न केवल इस जन्म की बल्कि जब वो गर्भ में था या गर्भ से पहले जब वो प्री बर्थ प्लानिंग कर रहा था या पिछले जन्मों की स्मृतियां भी इसी सबकॉन्शियस माइंड में सुरक्षित रहती हैं, जिन्हें सम्मोहन के द्वारा बाहर निकालकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। रामपा कहते हैं कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा शरीर एक विशाल लाइब्रेरी है और इसके फ्रंट डेस्क पर बैठा हुआ लाइब्रेरियन यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड ये तो जानता है कि कौन कौन सी बुक उस लाइब्रेरी में है और कौन से शेल्फ में रखी गई है, पर उस बुक में क्या ज्ञान है उसके बारे में वो नहीं जानता, पर आपको बता सकता है कि आप कौन सी फाइल्स को खोलें और उस सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान ले सकें। उसके पास तर्क वितर्क की क्षमता होती है, इसीलिए रामपा कहते हैं कि हम ऐसे ही हैं। पर अगर कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया जाए तो वो सब कॉन्शियस माइंड को उत्तेजित करके उसके मेमोरी बैंक में रखी हुई फाइल्स को ओपन करवा सकता है और उसमें से सारी जानकारियां ले सकता है। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच में एक स्क्रीन होती है जो नाकाबंदी का काम करती है। अगर ये स्क्रीन नहीं रहे तो हम जो रोजमर्रा के सेंसेस के द्वारा सुन रहे हैं देख रहे हैं वो सभी कुछ हर चीज संग्रहित हो जाएगी और सब कॉन्शियस माइंड में अव्यवस्थता आ सकती है। और दूसरा कारण ये भी है कि अगर स्क्रीन न हो तो बार बार कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड में झांक कर देख सकता है और हस्तक्षेप कर सकता है और हो सकता है कि उसे दूषित भी कर दे, तो ये स्क्रीन उन दोनों को अलग करती है। रामपा कहते हैं याद रखने के 2 नियम हैं। सब कॉन्शियस माइंड में रीजनिंग यानी कि विवेक बुद्धि नहीं होती, उसे जो भी सजेशंस के द्वारा दिया जाता है उस पर वो कार्य करना शुरू कर देता है। उसके में विभेदन क्षमता नहीं है, वो नहीं जान सकता कि क्या अच्छा है क्या बुरा, वो हर चीज को सुरक्षित रखते जाता है। और दूसरी बात, कॉन्शियस माइंड एक समय में एक ही विचार कर सकता है, उस विचार का चयन करता है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, विचार की जांच करता है, विवेक बुद्धि इसे स्वीकार कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। आपको लगता है कि यह कैसे हो सकता है, हम तो एक ही समय में 2-3 चीजों के बारे में सोच रहे हैं, तो रामपा कहते हैं ये आपकी गलत फहमी है। विचार की गति बिजली की गति से भी ज्यादा तेज होती है, इसीलिए आपको जब लगता है कि आप 2-3 चीजों पर विचार कर रहे हैं वो केवल एक विचार होता है। साइंटिस्ट लोगों ने यह साबित कर दिया है कि एक ही समय में एक ही विचार स्थान घेर सकता है। यदि हम एक सचेतन विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी परामर्श ग्राहिता यानी कि सजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति को यह विचार दिया जाता है कि उसका सम्मोहन किया जा रहा है और उसे ये बात पे विश्वास हो जाए तो उसके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के बीच की स्क्रीन कमजोर हो जाएगी और वो सम्मोहित हो जाएगा। बहुत से लोग मारते हैं कि वो सम्मोहित नहीं हो सकते, पर वे ही लोग सबसे ज्यादा आसानी से सम्मोहित हो सकते हैं। सम्मोहन स्वाभाविक है और हर व्यक्ति सम्मोहन के आदेशों के लिए ग्रहणशील है। रामपा कहते हैं कि अगर सम्मोहन किसी प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इससे अच्छा है कि आप अपने स्वयं को ही सम्मोहित करें। जो भी आप गुणों को अपनाना चाहते हैं या कुछ दुर्गुणों को आप हटाना चाहते हैं और यदि ठंड के मौसम में अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो अपने स्वयं को सम्मोहित करके आप ये सभी काम कर सकते हैं। रामपा कहते हैं कि हम दूसरों को सम्मोहन करने के लिए आपको नहीं समझा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि कई सालों का अनुभव न हो तो ये एक खतरनाक खेल होता है, इसीलिए आप
किसी को भी सम्मोहित करने की कोशिश ना करें। ये भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित करके गलत काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। रामपा कहते हैं ये गलत है। यदि कोई भला और धार्मिक व्यक्ति है तो उसके पास जाकर अगर सम्मोहनकर्ता कहेगा कि उठो और जाके बैंक लूट लो, तब वो ऐसा नहीं करेगा, वो सिर्फ उठ जाएगा पर वो बैंक लूटने नहीं जाएगा। अगर वो बहुत ही कुशल सम्मोहन करता है तो वो अपने आदेशों और शब्दों को इस प्रकार कहेगा कि सम्मोहित व्यक्ति को विश्वास हो जाए कि वो किसी खेल या नाटक में भाग ले रहा है, तब वो अच्छा व्यक्ति भी गलत काम करने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसीलिए सम्मोहनकर्ता के लिए दूसरे से गलत काम कराना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए रामपा कहते हैं कि हिप्नोटिज्म यानी कि सम्मोहन बेईमान और अप्रशिक्षित वाले व्यक्तियों के हाथों में खतरनाक चीज है। रामपा सुझाव देते हैं कि आप तब तक के सम्मोहन के लिए न जाएं जब तक के कोई उपयुक्त कारण न हो, और यदि सम्मोहन कराना भी पड़े तो आप हाईली एक्सपीरियंस्ड और हाईली ट्रेन्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही सम्मोहन करवाएं। तो सम्मोहन के लिए कैसे कराया जाता है? पहली बात यह है कि किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने की कुछ विधि होनी चाहिए ताकि चेतन मन जो एक समय में एक विचार को पकड़ सकता है को वश में किया जा सके और फिर सुझाव को अवचेतन मन में भेजा जा सके। आमतौर पर सम्मोहन करने वाले व्यक्ति के पास चमकदार बटन या कांच का टुकड़ा होता है और वह अपने क्लाइंट को सचेतन रूप से उस चमकती हुई वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है और क्लाइंट वैसा ही करता है। इसका पूरा उद्देश्य चेतन मन को व्यस्त रखना है। सम्मोहनकर्ता आई लेवल के ठीक ऊपर एक वस्तु को पकड़ेगा क्योंकि उस तक देखने में व्यक्ति की आंखों को तनाव में डाल दिया जाता है। यह आंखों और पलकों की मांसपेशियों को भी तनाव देता है और पलक की मांसपेशियां मानव शरीर की सबसे कमजोर मांसपेशियां हैं और ये किसी भी अन्य मांसपेशियों की तुलना में अधिक जल्दी से थक जाती हैं। कुछ सेकंड देखने के बाद आंखें और थक जाती हैं, उनमें पानी भरना शुरू होता है। फिर सम्मोहनकर्ता ये कहता है कि आपकी आंखें थक गई हैं। एक ही आवाज में अत्यधिक दोहराने से आंखें थक जाती हैं। फिर वह क्लाइंट को कहता है कि अब अपनी आंखें बंद कर लो क्योंकि आपको आसानी महसूस होगी, और जब क्लाइंट आंख बंद कर लेता है तो वाकई उसे आसानी महसूस होती है। स्वाभाविक है कि वो अपनी आंखें बंद करना चाहता था क्योंकि सम्मोहनकर्ता ने उसकी आंखों की मांसपेशियों को ऑलरेडी थका दिया है और उसे अब लगता है कि वो सो जाए। सबकॉन्शियस माइंड को भेदभाव करने की क्षमता नहीं, इसीलिए वो भी जल्दी ही सहमत हो जाता है। जब यह कुछ समय के लिए किया जाता है तो व्यक्ति की परामर्श ग्राहिता बढ़ जाती है, अर्थात वो सम्मोहित हो जाने के अभ्यास से प्रभावित हो रहा है। इसीलिए जब एक व्यक्ति को सम्मोहनकर्ता जो कुछ भी कहता है, व्यक्ति थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना स्वीकार करते जाता है। इस प्रकार वो और ज्यादा से ज्यादा उस पर विश्वास करता जाता है। एक सम्मोहनकर्ता हमेशा ये सुनिश्चित करता है कि उसके स्टेटमेंट्स को क्लाइंट द्वारा विश्वास किया जाए। वो लेटे हुए क्लाइंट को कभी नहीं कहेगा कि वह खड़ा है, वह किसी निश्चित चीज होने के बाद ही क्लाइंट को निर्देश देता है। उदाहरण के लिए सम्मोहनकर्ता क्लाइंट को अपनी पूरी लंबाई पर हाथ फैलाने को कह सकता है। वह कुछ समय के लिए एक नीरस आवाज में इसे दोहराएगा और फिर जब वो देखता है कि वो क्लाइंट की बाहें थक गई हैं और कहेगा आपकी बांह थक गई है, आपकी बांह भारी हो रही है, ऐसा कहने पर वो क्लाइंट आसानी से सहमत हो जाएगा क्योंकि वह स्वयं भी अनुभव कर रहा है कि उसकी बाहें थक रही हैं। लेकिन हल्की बेहोशी की अवस्था में वो तर्क वितर्क नहीं करता, वो नहीं कहता कि बांह को फैलाकर रखने से बाहें थकेंगी ही, पर वो सिर्फ इतना मानता है कि सम्मोहनकर्ता के पास कुछ निश्चित शक्ति होती है जो उसे आदेश दिए गए कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उसके बाद उस व्यक्ति से जो कुछ भी पूछेगा सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी बैंक से खोलकर उसे बता देगा। उस व्यक्ति को जीवन के लगातार पिछले वर्षों के माध्यम से वापस ले जाना संभव है ताकि उसके जन्म समय गर्भ में जब था या जन्म से पार के समय पर भी जाया जा सके। व्यक्ति से उस समय की भी जानकारी ले सकते हैं जब वो प्री बर्थ प्लानिंग कर रहा था। रामपा कहते हैं कि भविष्य में डॉक्टर्स इंजीनियर्स इस हिप्नोटिज्म का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी करेंगे क्योंकि एनेस्थेसिया से बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, पर सम्मोहन का
कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो यदि बिना दर्द के डिलीवरी कराना हो, दांत को निकालना हो या किसी भी अंग की सर्जरी करनी हो, सम्मोहन के द्वारा उसे सुरक्षित चिकित्सा उपलब्ध करा सकेंगे। तो रामपा ने कहा है कि स्वसम्मोहन सीखने से आप अपने में सुधार ला सकते हैं और आप अपना सबसे ज्यादा भला कर सकते हैं। तो अगले चैप्टर में हम स्वसम्मोहन यानी कि आत्मसम्मोहन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।